प्रभास को पीछे छोड़ अल्लू अर्जुन साउथ सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। संदीप रेड्डी वंगा और भूषण कुमार की फिल्म के साथ हिंदी डेब्यू करने जा रहे अल्लू अर्जुन ने 125 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन ने इंडियन मूवी इंडस्ट्री में एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर दी है। परंतु अल्लू अर्जुन अभी पुष्पा 2 की शूटिंग में व्यस्त है और उनकी हिंदी डेब्यू संदीप रेड्डी वंगा और प्रभास की मूवी की शूटिंग पूरी होने के बाद अल्लू अर्जुन स्टार संदीप रेड्डी वंगा और 30 सीरीज की फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। जूनियर एनटीआर और रामचरण की फीस 75 करोड़ रुपए है। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के लिए जूनियर एनटीआर और रामचरण ने 75 करोड़ रुपए लिया था। आरआरआर मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, साथ ही ये हमें ऑस्कर तक ले आई है। अल्लू अर्जुन की फीस में इजाफा करने के बाद हो सकता है जूनियर एनटीआर और रामचरण भी अपना चार्ज को बढ़ा दे। 30 सीरीज और भद्राकाली प्रोडक्शन का कोलेबोरेशन हो चुका है। खबरों के अनुसार 30 सीरीज और वंगा भद्राकाली प्रोडक्शन में बन रही अल्लू अर्जुन के मूवी का नाम भद्राकाली हो सकता है। इस मूवी के सुपर नेचुरल होने की उम्मीद है। बड़े बजट में बनाई जा रही यह मूवी हमें 2025 तक सिनेमा घरों में नजर आ सकती है। साउथ सिनेमा इंडस्ट्री में अपना कदम रखने जा रहे 30 सीरीज के भूषण कुमार ने कहा है कि हम सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम करने के दायरे को तोड़ने जा रहे हैं, अब हम साउथ और रीजनल सिनेमा में शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा 30 सीरीज और भद्राकाली प्रोडक्शन एनिमल फिल्म पर भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना नजर आने वाले है और ये मूवी इसी साल रिलीज होगी। दूसरी तरफ 2024 में अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल और आइकॉन रिलीज होने वाली है। 2021 में अल्लू अर्जुन की रिलीज हुई मूवी पुष्पा द राइज 2021 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी। फिल्म ने ऑल टाइम 373 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जिसमें से 100 करोड़ से ज्यादा सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में किया था। तेलुगु सिनेमा में हाईएस्ट पेड एक्टर्स की बात की जाए तो नंबर 8 पर है विजय देवरकोंडा, जो अपने एक मूवी के लिए 27 से 45 करोड़ के बीच चार्ज करते हैं। नंबर 7 पर है चिरंजीवी, जो अपने एक मूवी के लिए 40 से 60 करोड़ के बीच चार्ज करते हैं। नंबर 6 पर है पवन कल्याण, जो अपने एक मूवी के लिए 50 से 65 करोड़ के बीच चार्ज करते हैं। नंबर 5 पर है महेश बाबू, जो अपने एक मूवी के लिए 60 से 80 करोड़ के बीच चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर है रामचरण, जो अपने एक मूवी के लिए 50 से 100 करोड़ के बीच चार्ज करते हैं। नंबर 3 पर है जूनियर एनटीआर, जो अपने एक मूवी के लिए 50 से 100 करोड़ के बीच चार्ज करते हैं। नंबर 2 पर है प्रभास, जो अपने एक मूवी के लिए 100 करोड़ चार्ज करते हैं। और अब नंबर 1 पर है अल्लू अर्जुन, जो अपने एक मूवी के लिए 100 से 125 करोड़ बीच चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं, क्या अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के एंटरटेनमेंट से जुड़ी वीडियो देखने को मिलती रहे। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन, बाय।